हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ सबका फेवरेट गाजर का हलवा, जो आप शिवरात्रि पर भी बनाकर खा सकते हैं, नॉर्मल भी खा सकते हैं। विंटर जा रही है तो हलवा भी हमारा साथ में चला जाएगा, इसलिए जल्दी से बना लेते हैं हम अपना हलवा। उसके लिए मैंने ले ली है गाजर और मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें ऐड कर दूंगी एक बड़ा चम्मच भर के देसी घी। और घी जैसे ही मेल्ट होगा तो उसमें मैं पहले डाल दूंगी गाजर। तो गाजर को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए घी में अच्छे से भून लेना है। भूनने से क्या होगा कि जो गाजर है उसका थोड़ा सा कच्चापन भी चला जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगी और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो गाजर का हलवा तो सभी लोग बनाते हैं, खाते हैं। थोड़ी बहुत सभी की टिप्स एंड ट्रिक्स अलग अलग होती है, तो बस वही मेरी भी है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ फुल क्रीम मलाई वाला दूध, और 1/2 लीटर दूध मैंने लिया है और 1 kg गाजर है। ज़्यादा तामझाम मैं इसमें बिल्कुल नहीं करूँगी, सिंपल तरीके से आपको हलवा बनाना बताऊँगी। क्योंकि विंटर जा रही है तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना आप लोगों से हलवा की रेसिपी शेयर कर दूँ। तो दूध में अच्छे से गाजर को पकने देते हैं और बीच बीच में आप चलाते रहें। नॉन स्टिक कढ़ाई है तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, अदर कढ़ाई है तो आपको बीच बीच में चलाते रहना है, वरना जल जाएगा तो जलने की जो खुशबू आएगी पूरा हलवा हमारा खराब हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू इसको चलाते रहें। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी, और चीनी को यहीं पे साथ में ऐड कर देना है क्योंकि दूध भी है और चीनी भी पानी छोड़ती है, तो दोनों साथ में पकेंगे तो गाजर में अच्छे से मिठास भी आ जाएगी, गाजर सॉफ्ट भी हो जाएगी। कुछ लोग बाद में ऐड करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, तो इसलिए छोटी छोटी जो टिप्स हैं मेरी उनको ध्यान में रखना है। और अभी भी दूध और पानी है हलवे में तो इसको चलाते रहें। और ये मावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये होममेड मावा है। अगर आपके पास मावा नहीं है, मिल्क पाउडर है तो आप वो ऐड कर दें, और मिल्क पाउडर भी नहीं है तो दूध को पहले थोड़ा सा गाढ़ा कर ले उसके बाद इसमें ऐड कर दे। जैसा मन करे वैसा आप हलवे को बना ले। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने मावा ऐड किया है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब हलवा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसको आप चलाते रहें जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए गाजर का हलवा हमारा गाढ़ा हो गया है। आप चाहें तो यहीं पर गैस की फ्लेम बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं और इलायची पाउडर भी उसी में ऐड कर दिया है। तो देखो कितना यम्मी यम्मी हमारा हलवा दिख रहा है। और मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो कर लें, नहीं चाहें तो आप घी को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब आ गई है हमारे खाने की बारी, तो जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। और मैं सर्व कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए यम्मी यम्मी डिलीशियस सी रेसिपी गाजर का हलवा। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना। और अब इस पर मैं डाल रही हूँ काजू, आपको जो ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगे वो आप डाल दें। और शिवरात्रि पर बना के खाइए, किसी भी व्रत में खाइए, नॉर्मल वैसे भी बनाकर खा लें। क्योंकि ये जो हलवा है कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जो हमें विंटर में ही अच्छी लगती हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो विंटर में ही स्पेशल आती हैं, तो उनमें से एक है हमारा गाजर का हलवा। तो अब मैं ऊपर से डाल दी हूँ मावा, बिल्कुल लग रहा है ना एकदम जैसे शादियों में हम खाते हैं हलवा। और आ जाइए फटाफट से, किसका खाने का मन हो रहा है और आप लोगों को मेरी प्रेजेंट करने का तरीका कैसा लगता है, सारी वीडियोस, रेसिपीज, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताना, अगर कुछ कमी है वो भी बताना। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक आप गाजर के हलवे से मुंह मीठा
कर लीजिए बाय।